ideia. आपका नाम? गुड मॉर्निंग, मेरा नाम प्रियंका भद्री है। मैं देहरादून से आई हूँ अमरनाथ की यात्रा के लिए, और अभी हम यहाँ पे ये कश्मीर में सीआरपीएफ के आर्मी कैंप है वहाँ पे रुके, और यहाँ की फैसिलिटीज से हमें बहुत अच्छा लगा। जो हमारा फीडबैक है वो काफ़ी अच्छा रहेगा, हमारी सिक्योरिटी को लेके, हमारा खाना पीना रहना सब कुछ गवर्नमेंट ने यहाँ पे किया है, तो काफ़ी अच्छे से हुआ है, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। और हम खुशी बहुत खुशी है कि हम बहुत लकी है जो हम इस मुकाम तक आज पहुँच पाए हैं यहाँ पे। कितना अच्छा लगा यहाँ आके कश्मीर? बहुत अच्छा लग रहा है सर, आना चाहिए सबको, बिल्कुल आना चाहिए सर। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम मनीषा रावत है और मैं देहरादून से आई हूँ। तो हमने यहाँ सबसे पहले देहरादून से जम्मू आए, फिर जम्मू से यहाँ पे आए थे हम श्रीनगर। तो कल हमारा यहाँ पे बेस कैंप लगा हुआ था, तो यहाँ हमें इतना अच्छा लगा है सच में कि मतलब ऐसे लग रहा था कि वो सुविधाएं कैसी लगी आपको? क्या सुविधाएं तो बहुत अच्छी लगी थी, अच्छी है, हेल्पिंग नेचर है, मतलब इनका काफी अच्छा है, और मतलब खाना पीना सारा अच्छा लगा। मैं तो सबको यही बोलूंगी कि आप भी आओ, सभी आओ, और अगली बारी में लेके आऊंगी अपने मम्मी पापा को भी, सबको लेके आऊंगी। तो आज जा रहे हैं दर्शन के लिए? हाँ, आज तो जा रहे हैं हम वहाँ पे दर्शन के लिए, बाल्टा से जाएंगे अमरनाथ के लिए, और बस। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम संध्या है और हम देहरादून से आ रखे हैं अपने सारे फ्रेंड्स के साथ। और अभी देखो, अमरनाथ की यात्रा का मतलब सुख पाने के लिए हम यहाँ पे आ रखे हैं। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद है, उनकी दर्शन है, मतलब उन्होंने हमें बुला रखा है यहाँ पे। तो आज हम बाल्टा से निकलेंगे, तो आर्मी वालों की काफ़ी अच्छी फैसिलिटी है, खाने से लेके रहने वहने तक का। वॉशरूम भी लेडीज़ के लिए अलग है, जेंट्स के लिए अलग है, सेफ्टी फर्स्ट है पहले। तो बाहर रहने से अच्छा आप यहाँ कैंप में आइए, मतलब निःशुल्क सुविधा आपको यहाँ पे मिलेगी। और ऐसा नहीं कि मतलब बहुत बेकार है, ऐसा नहीं, प्रॉपर है, अच्छी हाइजीनिक एरिया है। सोने के लिए भी आपको गद्दे वगैरह यहाँ पे प्रोवाइड हो जाते हैं, और वॉशरूम वगैरह भी काफ़ी साफ है। तो हम सोच रहे हैं कि जब हम वापस आए तो हम यहीं पे स्टे करके जाएं, बाहर रहने से अच्छा तो यहाँ अपनी प्रॉपर आर्मी की अंडर, मतलब सेफ्टी कम्फर्ट। बहुत लकी समझती हूँ, मतलब इतने दूर, मतलब किसी किसी का आना होता है, कष्ट थोड़े मिलते हैं, पर ये कि हाँ लास्ट में भोले बाबा का दर्शन हो जाएंगे तो ज्यादा अच्छा है। आगे भी पहाड़ी वहाड़ी है तो? हाँ जी, हाँ जी, पूरा आप जाएंगे दर्शन? हाँ, पैदल जाने का हमारा है, हम पैदल ही जाएंगे। तो क्या प्रार्थना करेंगे? बस सबको खुश रखे भगवान, से हम सबको नर्सिंग ऑफिसर बना दें। बस खुश रखे सबको, खुश रखे, सबकी मनोकामना पूरी हो, बस सबके जितने भी हैं सब खुश रहें, बस दुनिया में लड़ाई झगड़ा कम हो।
आप लोग। थोड़ा जोर से बोलिए। Doğru değil bu iş, bu arada kumik var da.